हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंड दी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देगा। एंड ये रीडिंग आपके लिए तभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है जब आप एक नए रिलेशनशिप में हो और सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन आपके भरोसे के काबिल है या नहीं, आगे जाके पता नहीं क्या करेगा या क्या होने वाला है। एंड अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी वक्त हो गया है और आपको लगता है कि ये पर्सन अब भी कमिटमेंट से भाग रहा है, तो शायद ये रीडिंग आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। सेवन ऑफ विजन्स, स्ट्रेंथ, द हर्मिट, एट ऑफ स्पेल्स, नाइन ऑफ बोन्स एंड सीकर ऑफ बोन्स। ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट का कार्ड। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि अपनी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज से डील कर रहा है। द हर्मिट के साथ ये पर्सन उन लोगों में से है जो यूजुअली ज़्यादा इंट्रैक्ट करना पसंद नहीं करता, या बार बार आपको लगता है कि अपनी ही लाइफ में गुम हो गया है या अपनी ही लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। द हर्मिट के साथ ये पर्सन अभी तक भी ये समझ नहीं पाया है कि उन्हें आगे क्या करना है। इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ के चैलेंजेस से डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है। एंड पाइसेस, आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, वो ये कि ये पर्सन शायद आपके लाइफ में इसलिए भी है क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनके लिए सुटेबल हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनकी मदद कर सकते हैं किसी तरीके से। एट ऑफ स्पेल्स के साथ इस पर्सन को ये फील होता है कि आप उनसे बिल्कुल अलग लेवल पे हैं, फाइनेंशियली या किसी और तरीके से। और ये हो सकता है आपको मिलने वाले अटेंशन के बारे में भी, इस पर्सन को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है दूसरों से। ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी तरीके के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है आजकल, और ये इस बात को भूल नहीं पा रहे। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको और खुद को कंपेयर कर रहा है और सोच रहा है कि क्या वो इन चैलेंजेस को फेस कर सकता है, क्या वो आपके साथ अपने फ्यूचर को कंटिन्यू कर सकता है। अगर उन्होंने ये चैलेंज लिया तो क्या वो आपके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल मुझे इनके अंदर नजर आ रहे हैं। सेवन ऑफ विजन्स के साथ पाइसेस, ये जो रिलेशनशिप है आपको परफेक्ट लग सकता है पहली नज़र में। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन हर तरीके से आपको खुश रख सकता है, और यू नो, हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत सारे प्लान बना लिए हो, पर इस पर्सन के मन के अंदर का ये जो डर है वो आप नहीं निकाल सकते। स्ट्रेंथ के गार्ड के साथ ये पर्सन कोशिश तो बहुत कर रहा है कि अब वो इस तरह की बातों को ना सोचे, इस इनसिक्योरिटी से ऊपर आए। ये पर्सन कभी कभी ये महसूस करता है कि आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हों, इनके फ्रेंड्स स्पेशली, जो इन्हें ये कहते हैं कि आपको तो आपके हिसाब से बहुत अच्छा पर्सन मिल गया, या आप जो डिजर्व करते हैं उससे बहुत बेहतर पर्सन मिल गया, आप तो इस पर्सन को डिजर्व भी नहीं करते। और पता नहीं पाइसेस ने कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपके साथ रिलेशनशिप में होने का, मतलब है जरूर पाइसेस ने कोई कॉम्प्रोमाइज ही किया होगा। इस तरह की बातें ये पर्सन सुन रहा हो सकता है, एंड इसका फ्रस्ट्रेशन कभी कभी ये पर्सन आपको भी शो कर सकता है, कभी बातों से, कभी हो सकता है कि ये आपसे दूर हो जाए, कभी हो सकता है कि कुछ अजीब सा बिहेव करें। एंड आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं और इनसिक्योरिटीज हैं, और वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। नाइन ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन हमेशा ये दुआ मांगता रहता है कि आप दोनों साथ हों, आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो बढ़े, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के क्लोज रहें। पर फिर भी इन्हें भरोसा नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो
आपको और उनको दूर कर देगा। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप में बने रहने की, एंड फिर भी कुछ ना कुछ इनके मन के अंदर चलता रहता है। ये ऑब्स्टेकल्स बाहर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स है जो इन्होंने अपने दिमाग में क्रिएट कर लिए हैं। एंड अब उन बैरियर्स को भूल के ऊपर उठना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। नाइन ऑफ बूंस के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इन्हें वो फ्यूचर दे सकते हैं जिसका इन्हें इंतजार था। सीकर ऑफ बूंस के साथ पाइसेस, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप ठीक उनके सामने हैं पर वो आपको क्लेम नहीं कर सकते। आप इस रिलेशनशिप में हो जरूर सकते हैं उनके साथ, मगर फिर भी ये वर्क नहीं करेगा लॉन्गर रन में, या कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाएंगे। ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा कि अब वो आगे क्या करें। ओके एंड देख रहे हैं इस वुमेन को, उसके सामने वो बून है जो वो खोज रही थी, वो वरदान है जो वो खोज रही थी, पर वो अपने वरदान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा और जो वो सोच रहे हैं वो सच होगा भी या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस मुझे नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद ये पर्सन आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पाया है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ एनिमल्स, फाइव ऑफ बोन्स, द ओल्डेस्ट वन एंड नाइन ऑफ स्पेल्स। ओके तो हमारे पास है फाइव ऑफ बोन्स, और गौर करने वाली बात यह है कि ये एट ऑफ स्पेल्स के बगल में ही आया है। तो ये पर्सन काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है इस पॉइंट पे, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन इनके कंट्रोल में ही नहीं है, इनका खुद का जीवन इनके कंट्रोल में नहीं है, आसपास के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। देख रहे हैं द काउंसिल ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे लोग इन्हें बहुत सारे ओपिनियन दे रहे हैं, इन्हें जज किया जा रहा है, इन्हें ये बताया जा रहा है कि शायद आप किसी वजह से उनके लिए सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। और इस पर्सन को आदत है सबकी बातों को कंसिडर करने की, सबको साथ में लेके चलने की, क्योंकि शायद इन्हें दूसरों का सपोर्ट चाहिए। फाइव ऑफ बून्स के साथ ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो सकता है, एंड उन्हें लगता है कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को अपसेट नहीं कर सकते जो उनकी मदद कर रहा है इस वक्त में, या उनको सहारा दे रहा है, उन्हें मदद कर रहा है इस हालात से निपटने में या यहां से निकलने में। तो इस पर्सन को लगता है कि दूसरों के कई एहसान हैं इन पे और इसलिए ये पर्सन अपने मन से एक्ट नहीं कर पा रहा, दूसरों के जजमेंट को सुन रहा है। द ओल्डेस्ट वन का कार्ड है यहाँ पे, द ओल्डेस्ट वन के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अपने विजडम को इग्नोर मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो वाइज है, स्मार्ट है और सही गाइडेंस आपको दे रहा है तो उस पर ट्रस्ट करना जरूरी है। क्योंकि नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ जब बात आएगी कमिटमेंट की तो शायद ये पर्सन अपने आसपास ये वॉल बना ले या बाउंड्री बना ले पाइसेस, जो बाद में आपको बहुत इरिटेट करेगी, और करे भी क्यों ना। जब इस पर्सन ने आपसे ये प्रोमिसेस किए तो फिर उसे निभाया क्यों नहीं। नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन आपको इरिटेट कर सकता है अपने बिहेवियर से, क्योंकि इस पर्सन की आदत है खुद को प्रायोरिटी बनाना, ओके एंड खुद को सेफ रखना। तो ये पर्सन हमेशा अपना कंफर्ट जोन चुनता है, ये चीज इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, एंड आपको इस चीज से अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देगा, क्योंकि इन्हें उन चीजों को चुनना है जो आसान है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है पाइसेस, मैसेजेस फॉर पाइसेस, एक्सक्यूज मी। राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने खोए हुए हिस्से को फिर से खोजिए।
क्योंकि वो खोया नहीं, वो आपके अंदर ही है. एंड बस आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को खो दिया है. इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया हो सकता है. इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर्स ही हैं, जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए. तो इस वक्त आपको टैरो कह रहा है कि खुद से आपका रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कीजिए, हील कीजिए. एंड जहां तक इस पर्सन की बात है तो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिए. ओके, आपको जरूरत नहीं है किसी को चेज करने की, कोई एक्सप्लेनेशन मांगने की, या किसी रिलेशनशिप में बने रहने की जबकि आपको लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं. ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.